हमने ले लिया फ्यूल अपने। हेलो भाई, आप कैसे हो? आप भी पढ़ाई थी और दूसरा इसको और भैया कैसे हो? तो गाइस हम आए हैं यहाँ पे आइसक्रीम खाने एंड भैया की। गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब डियंगे एंड होने भी चाहिए। सो गाइस आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं छोटी सी राइड पे, तो चलते हैं फिर। एंड आप गाइस देख सकते हैं ये जो बाइक में मैंने पहले मॉडिफिकेशन करवाई थी, जो टेपिंग वगैरह कराई थी वो मैंने सारी रिमूव कर दी है। एंड अब हम फिर से एक और नेक्स्ट इसको प्लान करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडिफाई करेंगे। सो बने रहिए गाइस मेरे साथ, सो चलते हैं फिर जल्दी से। तो फिलहाल गाइस ये जो दूसरा वाला रोड है वो इस टाइम बंद है एंड अभी हम जा रहे हैं इस वाले रोड से। आज धूप भी काफी अच्छी खासी है। अब ये जो रास्ता था पहले ये भी गाइस बंद था एंड अब ये खुल चुका है। सो डाइवर्जन के लिए हम आ चुके हैं यहाँ से, हम क्रॉसिंग करेंगे। एंड यहाँ से क्रॉस करना है थोड़ा सा रिस्की है। तो फिलहाल इस टाइम भूख भी मेरे को गाइस थोड़ी बहुत लग चुकी है एंड गर्मी भी काफ़ी अच्छी खासी है। सो अभी हम चलेंगे यहाँ से कुछ खाने चलते हैं गाइस। सो हम चलते हैं यहाँ से। हम पियेंगे यहाँ से एक पेप्सी एंड इसी के साथ हम खाएंगे थोड़े से समोसे। समोसे आ चुके हैं एंड थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं हम, भूख जो है काफ़ी लगी थी मेरे को। फाइनली गाइस हमने जो है रिफ्रेशमेंट ले लिया अपनी एंड अभी हम जा रहे हैं। हमने गाइस पेट्रोल लाना है बॉटल में, तो अभी हम वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा बहुत बाइक में भी डलवा लेंगे। सो ट्रैफिक भी आज अच्छी खासी है। बस जल्दी से ये जो नेशनल हाईवे है वो बन जाए। तो इस टाइम है हम मेन बाजार में, जो कि चढ़वाल जो है नाम जो है हमारे इस बाजार का। तो
गाइस पीछे जो है आइसक्रीम वाली दुकान थी, तो मेरा जो है मन कर रहा है आइसक्रीम खा लूं, तो चलते हैं फिर आइसक्रीम खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम खा लेंगे आइसक्रीम। और भैया कैसे हो आप? तो गाइस हम आए हैं यहाँ पे आइसक्रीम खाने, एंड भैया की जो ये गाड़ी है ये काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल आइसक्रीम देते हैं। तो इस टाइम लोकेशन जो है चढ़वाल में भैया खड़े हैं, तो आप नियर बाई ज़रूर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर आए विजिट करें यहाँ पे। भैया आप शेक वगैरह हर एक चीज़ देते हो, बादाम शेक हर एक चीज़ अवेलेबल है, तो गाइस आप ज़रूर आके चेकआउट करें। तो लोकेशन मैंने आपको बता दी, चढ़वाल में जो सामने यहाँ पे जो ग्रामीण बैंक है उस भैया उसके जो पास है ये लोकेशन है भैया की। तो आप ज़रूर आएँ चेकआउट करें भैया की मील्स जो है, अच्छी अच्छी आइसक्रीम खाएं, गर्मी का मज़ा लें एकदम नेक्स्ट लेवल। गाइस भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है भैया बाय। तो गाइस आप भी ज़रूर विज़िट करें भैया की शॉप में, गुड बाय भैया। तो गाइस अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, एंड ये रही हमारी बाइक जिसको लेके हम जाएंगे अभी, फ्यूल डलवाएंगे बाइक में, थोड़ा बहुत लो ही है, सो चलते हैं फिर जल्दी से हम। भाई इस टाइम अभी हम हैं मेन बाजार में, एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक को चलाने में, एंड रिएक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं हमें। ओह माय गॉड गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है, नेक्स्ट लेवल तबाही वाली राइड होने वाली है आज फिर से, एंड ट्रैफिक जो है वो एक नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही अच्छी खासी ट्रैफिक है यहाँ पे। हमारा जो अभी क्रैश होने वाला था, तो आपने जैसा कि देखा ऐसे लोगों से गाइस आप बच के रहना चाहिए, जैसे कि मैं बड़ी मुश्किल से बचाऊं, तो राइड सेफ बी सेफ, ऐसे लोगों से बच के ही चलें। गाइस इस टाइम हम खड़े हैं यहाँ पे दादा चक बाजार में, एंड गर्मी जो है एक नेक्स्ट लेवल काफ़ी अच्छी खासी है। सो अभी हम जा रहे हैं बाइक में जो फ्यूल फिल कराना है, एंड बॉटल में हमने थोड़ा सा लेना भी है घर की तरफ, जो दूसरी बाइक में हमने वो भी डालना है उसको भी। तो फिलहाल हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप वाली साइड, एंड यहाँ से हम डलवाएंगे फ्यूल बाइक में। गाइस थोड़ा सा हम फ्यूल डाल देंगे अपनी स्कूटी में, उसको भी काफ़ी दिन हो गया स्टार्ट किए हुए, उसको भी कोल्ड स्टार्ट करेंगे हम, देखते हैं कि हो पाएगी स्टार्ट या नहीं। सो चलते हैं फिर अभी हम घर की तरफ। सो गाइस बाइक जो है हमारी माइलेज अब इस टाइम थोड़ी कम ही दे रही है, तो इसमें इशू ये है कि ये बाइक जो अगर उसमें फ्यूल कम होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मिसिंग करती है, तो इसका कुछ जो फ्यूल पंप है शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो या फिर उस वजह से करती है। सो जैसा भी हो, सो अभी हम चलते हैं फिर।
करके आ चुके हैं वापस। थोड़े बहुत हमारे जो छोटे छोटे काम थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये चित्र होगा ये साहब बाइक का, वो काफी मुश्किल से स्ट्रगल से निकालनी पड़ती है हमें थोड़ा ध्यान से, तो लोग जो है वो थोड़ी बहुत साइड भी नहीं देते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के ही हमें चलना पड़ता है। तो फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं एंड ये आप ऑफ रोडिंग चेक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग है यहाँ से। तो हम यहाँ से ऑफ रोडिंग वाले ट्रैक से होते हुए जा रहे हैं। तो फिलहाल हम अभी आ चुके हैं इस रोड पे, ऑफ रोडिंग हमने थोड़ी बहुत कंप्लीट कर ली है एंड अभी हम इस रोड पे आए। हम ये देखते हैं, ये है दो स्ट्रगल थोड़ा सा, बाइक जो है थोड़ी सी गंदी हो गई हमारी, तो देखते हैं। तो बाइक जो आराम से निकल गई है बाहर, एंड अब जो है हम वापिस आ चुके हैं। गाइस हमें मिल चुका है हमारे ऋषु भाई। और ऋषु भाई कैसे हो आप, कहाँ गए थे ट्यूशन पढ़ने? हेलो भाई, आप कैसे हो? आप भी पढ़ाए ट्यूशन? और बताओ ठीक है? मस्त एकदम बढ़िया। शाम को लगाना चक्कर फिर, ठीक है? हाँ, एक मस्ती राइड पे जाएंगे आज पक्का। पक्का बाय। जो बाइक जो है वो थोड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ इसको वॉशिंग करके फिर अंदर लगाऊंगा। सो फिलहाल हम डाल रहे हैं इसमें फ्यूल एंड इसको राइड करने जाएंगे हम शाम को। सो देखेंगे कि कैसी राइड रहेगी, ये चल पाती है स्कूटी या नहीं। काफ़ी दिनों बाद इसको स्टार्ट करें हम। तो फ्यूल हमने रख लिया, हम दूसरी बाइक में डाल देंगे प्लेटिना में, हमारी प्लेटिना बाइक, एंड इसमें हम डाल देंगे फ्यूल जो बचा है थोड़ा बहुत। सो शाम के टाइम मैं ज़्यादा इसको चलाता हूँ क्योंकि इसको चलाने का बहुत ही मज़ा आता है। एक तो ये बाइक जो है काफ़ी लाइट वेट है एंड दूसरा इसको चलाने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसके साथ ये वाला ब्लॉग होता है यहीं पे एंड एंड शाम को हम जाएंगे राइड पे एक अच्छी सी। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इसी के साथ होगा, राइड जो होगी एक तो इस बाइक में होगी एंड दूसरा जो स्कूटी है हमारी उस पर राइड करेंगे।